जाएंगे उसके आगे जाएंगे तो बहुत सारे ऊंट के टोले आपको खेतों में घूमते हुए मिलेंगे, अनअटेंडेड है वो बिल्कुल ही, है ना। तो रायका कम्युनिटी है वो जनरली ऊंट पालन का काम करती है। तो गांव में एक रायका रहता था, तो उसके पास में कुछ ऊंट थे, देर वर 17 कैमल, ठीक है। तो उसका रायका का डेथ हो गया, तो उसने एक विल लिखा हुआ था। विल मालूम है क्या होता है? वसीयत मालूम है। उसने लिखा था कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो वो ऊँटों को इस तरह से बांटेंगे, जितने भी ऊँट हैं उनको इस तरह से बांट लेंगे, जो सबसे छोटा बेटा है उसको 1/2 मिलेगा, जितना भी क्वांटिटी 100 है तो 50 मिल जाएगा, 10 है तो 5 मिल जाएगा, मीन्स ही विल गेट 1/2 ऑफ टोटल क्वांटिटी। सेकेंड था उसके लिए, वो देखा तो उससे बड़ा बेटा था, उसके लिए उसने क्वांटिटी डिसाइड करी थी 1/3, ठीक है, और उसके बाद में बचता है 1/9। तो रिमेनिंग 1/9 है वो सबसे बड़े बेटे को, वो एस्टेब्लिश्ड है, तो उसको 1/9 ऑफ की टोटल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। जब उसका डेथ हो गया, विल खोला गया, तो टोटल कैमल काउंट किए गए, तो कैमल्स वर 17, ठीक है। तो 17 को उन्हें आप आधे में बांट सकते हो, उन्हें 3 से डिवाइड कर सकते हो, उन्हें 9 से कर सकते हो। देन दे स्टार्टेड क्वार्रलिंग, तो उसका कौन सॉल्यूशन करेगा? कैन समबडी टेल? कैसे करें सॉल्यूशन उनका? तो उस गांव में फिर आपके सर के जैसे, बड़ा सर के जैसे थोड़े लड़ने थे, वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा अच्छा ये इनका इश्यू है, चलो ठीक है सेटल करते हैं। उनके पास भी एक ऊंट था, ठीक है, तो 17 ऊंट थे, तो उन्होंने अपना ऊंट भी उधर खड़ा कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 17 से 1 जुड़ गया तो 18 हो गए। अब कैलकुलेशन सीधा सीधा हो गया कि जिसको 1/2 देना था तो कितने मिले उसको? 9 मिल गया उसको। 1/3 मिलना था उसको कितना मिला? कितने हो गए टोटल? 15। और जिसको 1/9 देना था कितना हुआ? 2। तो डिवीजन बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। बचा इसलिए नहीं कि वो उनका था ही नहीं, बचा इसलिए नहीं कि 17 ही थे उनके, और 17 बिल्कुल परफेक्टली बट गए। आप देख लीजिए कि फर्स्ट को 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो उसको 9 मिला, दूसरे को 1 डिवाइडेड बाई 3 किया उसको 6 मिल गया, और थर्ड को 1 डिवाइडेड बाई 9 किया तो 2 मिल गया। तो 15 प्लस 2 17, इट इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट। आप अपने सॉल्यूशंस को अपने दायरे में फिक्स नहीं करना है, उससे बाहर भी जा सके सोचना है।